अस्सलामु अलैकुम। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहू व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बादु فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم। गुज़श्ता साल जमात अहमदिया जर्मनी की मदरसे शूरा में एक तजवीज़ ये भी थी के हुजूर अनवर अय्यदुल्लाह ताला बिन असल अज़ीज़ के खुतबात जुमा बाकायदगी से सुनना खिलाफत से ताल्लुक मजबूत करने और हर अहमदी की रूहानी तरक्की के लिए ज़रूरी है। मजलिसे शूरा ऐसा मुअय्यन लाए अमल तजवीज़ करे जिससे हर अहमदी खलीफा वक्त के खुतबात और इरशादात से मुस्तफीद हो सके। इस तजवीज़ पर मजलिसे शूरा ने एक मुअय्यन लाए अमल तजवीज़ किया जो हुजूर की खिदमत में भिजवाया गया। हुजूर अनवर अय्यदुल्लाह ताला बिन असल अज़ीज़ की मंजूरी के बाद इस लाए अमल पर भरपूर अमल करने के लिए हर सतह पर कोशिश की गई। मेरी आज की तकरीर भी खलीफा वक्त के खुतबात व इरशादात सुनने और उन पर अमल करने के बारे में है जिसका उन्वान है खुतबात इमाम तज़किया नफ्स का ज़रिया। हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम ने बैत लेने से कबल जो इश्तिहार दिया उसमें जमात के क़याम की गर्ज़ यूँ बयान फरमाई, खुदा ताला ने इस गिरोह को अपने जलाल अपना जलाल ज़ाहिर करने के लिए और अपनी कुदरत दिखाने के लिए पैदा करना और फिर तरक्की देना चाहा है ता दुनिया में मोहब्बत इलाही और तौबा नसू और पाकीज़गी और हकीकी नेकी और अमल और सलाहियत और बनी नौ इंसान की हमदर्दी को फैला दे। सो ये गिरोह उसका एक खालिस गिरोह होगा और वो उन्हें आप अपनी रूह से कुव्वत देगा और उन्हें गंदी चीज़ से साफ करेगा और उनकी ज़िंदगी में एक पाक तब्दीली बख्शेगा। हम अहमदी खुशकिस्मत हैं कि अल्लाह ताला ने हमारे लिए खिलाफत अहमदिया की बरकत से इस्लाम की सच्ची और हकीकी तालीम पर मुश्तमिल ताज़ा ब ताज़ा आसमानी मायदा का इंतज़ाम कर रखा है जो हज़रत मसीह मऊद अलैहिस्सलाम की वफ़ात के बाद भी अफराद जमात में एक पाक और रूहानी तब्दीली पैदा करने और उनके तज़किया नफ्स का ज़रिया है और वो है खिलाफत अला मिनहाजुन नबूवत का क़याम। नबूवत के बाद निज़ाम खिलाफत के क़याम की गर्ज़ ही ये है कि बरकात रिसालत जारी रहें। सैयदना हज़रत मसीह मऊद अलैहिस्सलाम अपनी किताब शहादतुल कुरान में तहरीर फरमाते हैं, चूँकि किसी इंसान के लिए दायमी तौर पर बका नहीं लिहाजा खुदा ताला ने इरादा किया के रसूलों के वजूद को जो तमाम दुनिया के वजूदों से अशरफ व औला हैं ज़िल्ली तौर पर हमेशा के लिए ता क़यामत कायम रखे। सो इसी गर्ज से खुदा ताला ने खिलाफत को तजवीज़ किया ता दुनिया कभी और किसी ज़माना में बरकात रिसालत से महरूम ना रहे। हज़रात खलीफा वक्त के खुतबात जुमा और दीगर इरशादात अफराद जमात के अखलाक व आमाल में एक रूहानी इनकलाब पैदा करने का मूजब बन रहे हैं। नबी की बेसत की अगराज में इसे युजक्की हिम के अल्फाज में बयान किया गया है, यानी वो उनके नफ्सों का तस्किया करता है। खलीफा चूँकि नबी के कामों को जारी रखने के लिए मुकर्रर किया जाता है इसलिए वो भी ये काम अंजाम देता है।
قرآن مجید میں خدا تعالیٰ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے کاموں کو یوں بیان فرمایا ہے، یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، ترجمہ، وہ ان پر اس کی آیات کی تلاوت کرتا ہے اور انہیں پاک کرتا ہے، انہیں کتاب کی اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کعبہ کی اثر نو تعمیر کے وقت ایک نبی کے مبعوث ہونے کے لیے یہ دعا کی تھی، ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم۔ حضرت خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں، وہ رسول جو مبعوث ہو اس کا کیا کام ہو؟ یتلو علیہم آیاتک، اس کا پہلا کام یہ ہو کہ تیری آیات ان پر پڑھے، دوسرا کام یعلمہم الکتاب والحکمہ، وہ کتاب یعنی شریعت سکھائے، اور تیسرا کام یہ ہو کہ حکمت سکھائے، چوتھا کام ویزکیہم ان کو پاک کرے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی اولاد میں سے مبعوث ہونے والے ایک رسول کے لیے دعا کی، اور اس دعا ہی میں ان اغراض کو بیان کیا جو انبیاء کی بعثت کا مقصد ہوتی ہیں، اور یہ چار کام ہیں۔ پھر حضرت خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے غور کر کے دیکھا ہے کہ کوئی کام اصلاح عالم کا نہیں جو اس سے باہر رہ جاتا ہو۔ الغرض نبی کا کام بیان فرمایا، تبلیغ کرنا، کافروں کو مومن کرنا، مومنوں کو شریعت پر قائم کرنا، پھر باریک در باریک رہوں کا بتانا، پھر تزکیہ نفس کرنا۔ تزکیہ نفس سے کیا مراد ہے؟ قرآن کریم کی مختلف تفاسیر میں ویزکیہم کے جو معانی بیان کیے گئے ہیں، ان کی روح سے افراد امت کو ان کی ظاہری اور باطنی ہر طرح کی گندگی اور نجاست سے پاک کرنا، جس میں بدن اور لباس وغیرہ کی ظاہری پاکیزگی بھی داخل ہے، اور عقائد و اعمال اور اخلاق و عادات کی پاکیزگی بھی شامل ہے۔ پھر یہ ذکر بھی ملتا ہے کہ ان کی زندگیاں سنواریں، اور زندگی سنوارنے میں خیالات، اخلاق، عادات، معاشرت، تمدن، سیاست، غرض، ہر چیز کو سنوارنا شامل ہے۔ ایک تفسیر میں یہ بھی ہے کہ ان کو پاک کرے، دماغ کو ہی پاک نہ کرے بلکہ حکمت سکھا کر ان کے قلوب بھی محبت الہی سے بھر دے، یہاں تک کہ وہ اپنے آپ کو خدا تعالیٰ میں جذب کر دیں، الہی صفات ان میں پیدا ہو جائیں، اور وہ چلتے ہوئے انسان نظر نہ آئیں بلکہ خدا نمائی کا ایک آئینہ دکھائی دیں۔ ایک تفسیر میں یہ بھی لکھا ہے کہ وہ اپنے تصرف روحانی سے دلوں کے آئینوں کو جلا بخشے اور روشن کرے تاکہ حقائق و معارف ان میں جلوہ نما ہو سکے۔ حضرت مسلم اور رضی اللہ تعالیٰ عنہ ویزکیہم کی تشریح کرتے ہوئے فرماتے ہیں، غرض ایک تو یہ معنی ہوئے کہ گناہوں سے بچانے کی کوشش کرنا، اور دوسرے معنوں کے لحاظ سے یہ کام ہوا کہ صرف گناہوں سے نہ بچائے بلکہ ان میں نیکی پیدا کرے۔ دوسرے الفاظ میں یوں کہو کہ ایک تو وہ تدابیر اختیار کرے جن سے جماعت کے گناہ دور کر دے، اور دوسرے ان کو خوبصورت بنا کر دکھا دے، اعلیٰ مدارج کی طرف لے جاوے، اور ان کے کاموں میں اخلاص اور اطاعت پیدا کرے۔ تزکیہ نفس کے بارے میں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، تزکیہ نفس میں ہی تمام برکات اور فیوز اور کامیابیوں کا راز پنہا ہے، فلاح صرف امور دینی ہی میں نہیں بلکہ دنیا و دین میں کامیابی ہوگی۔ نفس کی ناپاکی سے بچنے والا انسان کبھی نہیں ہو سکتا کہ وہ دنیا میں ذلیل ہو۔ تزکیہ نفس کا یہ کام نبی کی وفات کے بعد وہی شخص کر سکتا ہے جسے خدا تعالیٰ کی طرف سے نبی کا خلیفہ مقرر کیا جاتا ہے، اور جب خلیفہ لوگوں پر خدا کی آیات پڑھتا ہے، ان کو کتاب و حکمت سکھاتا ہے،
तो इसका मंतकी और हतमी नतीजा अल्लाह ताला ने ये फरमाया कि इससे लोगों का तज़किया नफ्स होता है। मोमिनों के लिए तज़किया नफ्स का असूल बहुत ज़रूरी है, इसलिए इसे मैं मुख्तलिफ पैरायों में बयान करने की कोशिश करता हूँ। वबिल्लाह तौफीक। हज़रात, इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन उसका अपना नफ्स है, इसलिए अल्लाह ताला ने उसके ख़िलाफ़ सारी ज़िंदगी एक मुसलसल जिहाद करने की बार बार तलकीन फरमाई है। नफ्स के ख़िलाफ़ जिहाद को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे बड़ा जिहाद यानी जिहाद अकबर करार दिया है। हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जंगे तबूक से वापस तशरीफ़ ला रहे थे तो फरमाया, रजाना मिनल जिहादिल असगरे इलल जिहादिल अकबरे, कि हम दुश्मनों के मुकाबला से वापस आ रहे हैं, वहाँ हम जिहाद असगर में मसरूफ़ थे, लेकिन अब हम जिहाद अकबर की तरफ लौटे हैं, यानी नफ्स के ख़िलाफ़ जिहाद की तरफ, जो कि दरअसल जिहाद अकबर है। हज़रत मसीह मऊद अलैहिस्सलाम ने भी जिस जिहाद का ऐलान फरमाया वो नफ्सों को पाक करने का जिहाद ही है। चुनाचे आप फरमाते हैं कुरान शरीफ में, खुदा ताला फरमाता है, कद अफलाह मन ज़क्काहा, यानी वो नफ्स नजात पा गया जो तरह तरह के मैलों और चिरकों से पाक किया गया। देखो, मैं एक हुक्म लेकर आपके पास आया हूँ, वो ये है कि अब तलवार के जिहाद का ख़ात्मा है, मगर नफ्सों के पाक करने का जिहाद बाकी है। और ये बात मैंने अपनी तरफ से नहीं की, बल्कि खुदा का यही इरादा है। फिर फरमाते हैं, याद रखो कि खुदा का हरगिज़ मंशा नहीं कि तुम दुनिया को बिल्कुल तर्क कर दो, बल्कि उसका जो मंशा है वो ये है कि कद अफलाहा मन ज़क्काहा, तजारत करो, ज़िरात करो, मुलाजमत करो और हिरफत करो, जो चाहो सो करो, मगर नफ्स को खुदा की नाफरमानी से रोकते रहो और ऐसा तज़किया करो कि ये उमूर तुम्हें खुदा से गाफिल ना कर दें, फिर जो तुम्हारी दुनिया है यही दुनिया दीन के हुक्म में आ जावेगी। हज़रात, गुलाम अहमद की, गुलाम अहमद की खिलाफत अहमदिया, खिलाफत अहमदिया, नारा तकबीर। हज़रात, अल्लाह ताला ने कुरान करीम में इरशाद फरमाया है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इस्तजीबू लिल्लाहि वलिर्रसूल इज़ा दआकुम लिमा युहयीकुम। इस आयत में अल्लाह ताला मोमिनीन को मुखातब करके फरमाता है कि अल्लाह और रसूल की हर आवाज़ पर लब्बैक कहो, क्योंकि इसके बदला में तुम्हें नई रूहानी ज़िंदगी से सरफराज किया जाएगा। अंबिया के बाद खुलफा भी बनी नौ इंसान की हमेशा ऐसे रास्तों की तरफ रहनुमाई फरमाते हैं जिनकी इंतहाई मंजिल दिलों की पाकीज़गी, तकवा और तहारत है, और ये खिलाफत अला मिनहाज नबूवत का एक ऐसा फैज़ान है जिससे इंसानों की हालतें यकसर बदल जाती हैं। इसलिए नबी की ये बात खलीफा की आवाज़ पर लब्बैक कहने से भी उसी तरह नई रूहानी ज़िंदगी मिलती है। खुलफा खुदादाद हिदायत से जमात की रहनमाई के लिए वक्तन फ़वक्तन मुख्तलिफ तहरीकात पेश करते हैं जो मोमनों की ज़िंदगी में एक नई रूह पैदा करने का मूजब बनती हैं। और अहमदी ना सिर्फ जान, माल और वक्त की कुर्बानी के मैदान में आगे बढ़े हैं, बल्कि बनी नौ इंसान की खिदमत में नाम पैदा किया है जिसकी एक दुनिया मोतरफ़ है। खुलफाए मसीह मऊद की तहरीकात के हवाला से हज़रत खलीफतुल मसीह राबे रहमतुल्लाह का एक इरशाद पेश करता हूँ। फरमाया, अल्लाह ताला जब भी कोई तहरीक जमात अहमदिया के किसी खलीफा के दिल में डालता है तो इसके मुतल्लिक आपको पूरी तरह मुतमईन होना चाहिए
कि ज़रूर कोई इलाही इशारे हैं जो मुस्तकबिल की खुशाइंद बातों का पता दे रहे हैं। फिर फरमाया, जिस तहरीक में आप इसलिए हिस्सा लेंगे कि अल्लाह ताला के कायम करदा मसीह मौऊद के खलीफा की तहरीक है, तो उसमें अजीम शान बरकतें पड़ेंगी जो आपके तसव्वुर से भी बाला होंगी। अल्लाह ताला कुरान करीम में फरमाते हैं, वातसिमू बिहब्लिल्लाह जमी अम वला तफर्रकू, और अल्लाह की रस्सी को सब के साथ मजबूती से पकड़ लो और तफरीका ना करो। अल्लाह की इस रस्सी को मजबूती से पकड़ने के मुख्तलिफ ज़राए और तरीके हो सकते हैं, जिनमें से एक खलीफा वक्त के साथ जिंदा और मुस्तकिल ताल्लुक को कायम करना और कायम रखना है। आज के इस दौर में इसका एक अहम पहलू खलीफा वक्त के खुतबात बाकायदगी से सुनना और उन पर अमल करना है। सैयदना हज़रत खलीफतुल मसीहुल खामिस अय्यदुल्लाह ताला बिन असल अज़ीज़ फरमाते हैं, वाज़े हो कि अब अल्लाह की रस्सी हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम का वजूद ही है, आपकी तालीम पर अमल करना है और फिर खिलाफत से चिमटे रहना भी तुम्हें मजबूत करता चला जाएगा। खिलाफत तुम्हारी इकाई होगी, खिलाफत तुम्हारी मजबूती होगी, खिलाफत तुम्हें हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम और हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वास्ता से अल्लाह ताला से जोड़ने वाली होगी। बस इस रस्सी को भी मजबूती से पकड़े रखो, वरना जो नहीं पकड़ेगा वो बिखर जाएगा, ना सिर्फ खुद बर्बाद होगा बाकी बल्कि अपनी नस्लों की बर्बादी के सामान भी कर रहा होगा। हज़रात, कुरान मजीद में जमात मोमिनीन का शियार समेना व अताना के अल्फाज में बयान किया गया है, वो हमेशा नेकी की बातों को तवज्जो से सुनते, समझते और याद रखते हैं और फिर इन बातों पर दिलो जान से अमल भी करते हैं। इताअत का पहला जीना सुनना है, इसीलिए इस सिफ़त को पहले रखा गया है, जो सुनेगा नहीं वो अमल कैसे करेगा। नारे तकबीर, इस्लाम अहमदियत, इस्लाम अहमदियत, गुलाम अहमद की, गुलाम अहमद की, खिलाफत अहमदिया, खिलाफत अहमदिया, हजरत अमीरुल मोमिनीन, हजरत अमीरुल मोमिनीन, नारे तकबीर। इताअत के ज़िमन में ये नुक्ता भी याद रखने के लायक है कि कुरान मजीद की जिस सूरत में आयत इस्तिखलाफ नाजल हुई है, उसी सूरत में अल्लाह ताला ने यह भी फरमाया है, ला तजालू दुआ रसूल बैनकुम का दुआए बाज़ेकुम बाज़ा, यानी ए मोमनो ये ना समझो कि रसूल का तुम में से किसी को बुलाना ऐसा ही है जैसा कि तुम में से बाज का बाज को बुलाना। इस आयत की तफसीर करते हुए हज़रत मुस्लिम और रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, तुम्हारा फ़र्ज़ है कि जब भी तुम्हारे कानों में खुदा ताला के रसूल की आवाज़ आए तुम फौरन उस पर लब्बैक कहो और उसकी तामील के लिए दौड़ पड़ो कि इसी में तुम्हारी तरक्की का राज मुजमर है। बल्कि अगर इंसान उस वक्त नमाज पढ़ रहा हो तब भी उसका फ़र्ज़ होता है कि वह नमाज तोड़ कर खुदा ताला के रसूल की आवाज़ का जवाब दे। फिर फरमाया, यही हुक्म अपने दर्जा के मुताबिक खलीफा ए रसूलुल्लाह पर भी चश्मा होते हैं और उसकी आवाज़ पर जमा हो जाना भी ज़रूरी होता है। तफसीर के बी जिल्द शशम। बस हर अहमदी की एक बुनियादी जिम्मेदारी ये है कि वो खलीफा वक्त के इरशादात को तवज्जो से सुने और उसकी तरफ से आने वाली हर आवाज़ पर कान धरे, क्योंकि वो उन बातों की तरफ जमात मोमिनीन को बुलाता है जो वक्त की ऐन ज़रूरत और हर सुनने वाले के लिए इंतहाई मुफीद और बाबरकत होती हैं। बस हुजूर अनवर के पुरमुआरफ खुतबात जुमा को बाकायदगी से और पूरी तवज्जो से सुनना, बच्चों को सुनाना और समझाना हर अहमदी की एक बुनियादी जिम्मेदारी है। जो शख्स हुजूर अनवर के खुतबात और खिताबात को बाकायदा एहतमाम से नहीं सुनेगा
वो हुजूर अनवर के इरशादात की तामील की सआदत और तज़किया नफ्स के हुसूल से भी महरूम रह जाएगा। कुरान करीम की सूरह नूर की आयत इस्तिखलाम में खिलाफत के मज़मून से पहले अल्लाह ताला ने रसूल की इताअत का हुक्म दिया है और खिलाफत का के ज़िक्र के मान बाद इताअत रसूल का, यह कोई इत्तेफाकी बात नहीं बल्कि इसमें यह अजीम नुक्ता मख्फी है कि खलीफा की इताअत दरअसल रसूल ही की इताअत है और रसूल की इताअत का लाजमी नतीजा ये होना चाहिए कि उसके खलीफा की इताअत भी उसी वफा और जान फिशानी से की जाए जिस तरह रसूल की इताअत का हक है। हज़रत चौधरी मोहम्मद ज़फ़रुल्लाह खान साहब से कौन वाकिफ नहीं, आपने इल्म व मारफत की इंतहाई मनाजिल तय की, आप सिद्क व वफा के पैकर थे, आपकी माली कुर्बानियों की एक दास्तान है, कुरान मजीद के अलावा सिलसिला की कई कुतुब के तराजम किए, इस्लाम की फजीलत व बरतरी साबित करने के लिए कई कुतुब तसनीफ की और बैन अल-अक़वामी सतह पर लेक्चर्स दिए, एक आलम आपकी खिदमात का मोतरफ़, आपने दुनियावी तरक्यात की मनाजिल तय की, फ़कीदुल मिसाल कामयाबियाँ हासिल की, ओबामे अरूज तक पहुँचे। किसी ने एक मरतबा आपसे सवाल किया इन तरक्यात और कामयाबियों का राज क्या है, आपने बेसाख्ता फरमाया बिकॉज थ्रू ऑल माई लाइफ आई वाज ओबीडियंट टू खलीफा, यानी मेरी कामयाबियों की वजह यह है कि मैं तमाम ज़िंदगी खिलाफत का मुकम्मल मुती और फरमाबरदार रहा। तकबीर खिलाफत अहमदिया, खिलाफत अहमदिया, हजरत अमीरुल मोमिनीन, हजरत अमीरुल मोमिनीन, नारा तकबीर। खलीफा वक्त के खुतबात व इरशादात सुनने की अहमियत के बारे में खुद खुलफाए किराम भी वक्तन फवक्तन तवज्जो दिलाते रहते हैं क्योंकि ये अफराद जमात की तरबियत में बहुत अहम किरदार अदा करते हैं। खलीफा वक्त का खुतबा जुमा अबाब जमात को सुनाने के बारे में हज़रत मुस्लिम मऊद रज़ी अल्लाह ताला अन्हो फरमाते हैं, जमात के अहदेदारों का फ़र्ज़ है कि वो जुमा या इतवार के दिन या हफ्ता में किसी और मौके पर मेरा हर खुतबा लोगों को सुनाया करें, बल्कि जमातों का असल काम यही होना चाहिए। फिर फरमाया जिस शख्स के सुपुर्द खुदा ताला जमात की इसलाह का काम करता है उसे ताकत भी ऐसी बख्शता है जो दिलों को साफ करने वाली होती है और जो असर उसके कलाम में होता है वह दूसरे किसी और के कलाम में नहीं हो सकता। हज़रत खलीफतुल मसीह राबे रहमतुल्लाह ताला ने अपने एक खुतबा जुमा में जो कि आपने सूरी नाम में इरशाद फरमाया था औलाद की तरबियत की अहमियत और उसके तरीक़ के बारे में फरमाया, अहमदी माँ बाप को अपनी बच्चियों की फ़िक्र करनी चाहिए, अपनी नौजवान नस्लों की फ़िक्र करनी चाहिए और ऐसे आज़ाद मुआशरे में जब तक शुरू से उनकी सही तरबियत नहीं करेंगे उस वक्त तक उनके अखलाक की कोई ज़मानत नहीं दी जा सकती। कुछ देर तक ये आपके बच्चे रहेंगे, फिर ये मुआशरे के बच्चे बन जाएंगे, फिर ये उस कौम के बच्चे बन जाएंगे, आपका सरमाया दूसरों के हाथ में चला जाएगा जबकि ये वो दौलत है जो खुदा ने आपको अता की है। सबसे बड़ी दौलत औलाद की दौलत है, अगर सारी उम्र की कमाई आप एक दिन में गंवा बैठें तो कितना दुख महसूस करते हैं। लेकिन याद रखें औलाद की दौलत से बढ़कर दुनिया की और कोई दौलत नहीं है, अगर औलाद हाथ से निकल जाए तो गोया सारी उम्र की कमाई हाथ से गई, बस इसका फिक्र करें। और इस ज़िमन में मैं आपको नसीहत करता हूँ कि अगर आप बाकायदगी के साथ खुतबात को ख़ुद भी सुने और अपने बच्चों को भी समझाएं तो चूंकि इनमें कुरान करीम का ज़िक्र चलता है, आ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक हसना का ज़िक्र चलता है और चूँकि हज़रत मसीह मऊद अलैहिस्सलाम के कलाम से नसीहतें पेश की जाती हैं इसलिए तरबियत का एक बहुत ही अच्छा ज़रिया है और आपकी नई नस्ल को कुरान और दीन और मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
اور مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام سے ان خطبات کے وسیلہ سے انشاءاللہ ایک گہرا ذاتی تعلق پیدا ہو جائے گا، اور جب خدا سے تعلق پیدا ہو جائے تو پھر دنیا والے اس کا کچھ بگاڑ نہیں سکتے۔ کیسا ہی گندا معاشرہ ہو لیکن جس کا اللہ سے تعلق ہو جائے وہ محفوظ ہو جاتا ہے، بس اس سے فائدہ اٹھائیں۔ اس سلسلہ میں حضرت خلیفۃ المسیح الخامس ایدہ اللہ تعالیٰ بن نصر عزیز کا یہ اقتباس بھی ہمارے لیے بہت اہمیت کا حامل ہے۔ آپ فرماتے ہیں، جو احمدی اس جستجو میں ہوتے ہیں کہ ہم نے خلیفہ وقت کی آواز کو سننا ہے اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کرنی ہے، اپنی اصلاح کی طرف توجہ دینی ہے، وہ نہ صرف شوق سے خطبات سنتے ہیں بلکہ اپنے آپ کو ہی ان کا مخاطب سمجھتے ہیں۔ اسی خطبہ میں آگے چل کر فرمایا، اگر خلیفہ وقت کی باتوں پر کان نہیں دھریں گے تو آہستہ آہستہ نہ صرف اپنے آپ کو خدا تعالیٰ کے فضلوں سے دور کر رہے ہوں گے بلکہ اپنی نسلوں کو بھی دین سے دور کرتے چلے جائیں گے۔ حضرات، حضرت خلیفۃ المسیح رابع رحم اللہ تعالیٰ خلیفہ وقت کے خطبات کو امت واحدہ کی تشکیل کا ذریعہ قرار دیتے ہوئے فرماتے ہیں، آپ سے میں توقع رکھتا ہوں کہ آپ اپنی نئی نسلوں کو خطبات باقاعدہ سنوایا کریں، یا پڑھایا کریں، یا سمجھایا کریں، کیونکہ خلیفہ وقت کے یہ خطبات جو اس دور میں دیے جا رہے ہیں یہ دنیا میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ظاہر ہونے والی نئی ایجادات کے سارے بیک وقت ساری دنیا میں پھیر رہے ہیں، اور ساری دنیا کی جماعتیں ان کو براہ راست سنتی اور فائدہ اٹھاتی اور ایک قوم بن رہی ہیں، اور امت واحدہ بنانے کے سامان پیدا ہو رہے ہیں۔ اس لیے خواہ وہ فیجی کے احمدی ہوں یا سوری نام کے احمدی ہوں، ماریشس کے ہوں یا چین، جاپان کے ہوں، روس کے ہوں یا امریکہ کے، سب اگر خلیفہ وقت کی نصیحتوں کو براہ راست سنیں گے تو سب کی تربیت ایک رنگ میں ہوگی، وہ سارے ایک قوم بن جائیں گے، خواہ ظاہری طور پر ان کی قوموں کا فرق ہی کیوں نہ ہو، ان کے رنگ چہروں کے لحاظ سے، جلدوں کے لحاظ سے الگ الگ ہوں گے لیکن روح کا حلیہ ایک ہی ہوگا۔ وہ ایسے روحانی وجود بنیں گے جو خدا کی نگاہ میں مقبول ٹھہریں گے، کیونکہ وہ قرآن کریم کی روشنی میں تربیت پا رہے ہوں گے، قرآن کریم کے نور سے حصہ لے رہے ہوں گے۔ معزز سامعین، ہماری خوش نصیبی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں وقت کے امام کو پہچاننے کی توفیق دی، اور اس کا سراسر فضل و احسان ہے کہ ہمیں خلافت کے نظام میں شامل کیا، ایک خلیفہ عطا کیا جو ہمارے لیے ہمارا درد رکھتے ہیں، ہمارے لیے اپنے دل میں پیار رکھتے ہیں۔ اس خوش قسمتی پر جتنا بھی شکر کیا جائے کم ہے۔ اس شکر کا ایک طریق یہ بھی ہے کہ ہم خلیفہ وقت کی آواز و ہدایات کو سنیں اور اس پر عمل کریں، کیونکہ اس کی آواز وقت کی آواز ہوتی ہے، زمانے کی ضرورت کے مطابق یہ الہی بندے بولتے ہیں، خدائی تقدیروں کے اشاروں کو دیکھتے ہوئے وہ رہنمائی کرتے ہیں، الہی تائیدات و نصرت ان کے شامل حال ہوتی ہے، خدائی صفات ان کے اندر جلوہ گر ہوتی ہیں۔ خلافت سے زندہ تعلق کے ثمرات میں سے ایک ثمر یہ بھی ہے کہ خلافت کی رہنمائی اور اس کی اطاعت کی برکت سے احمدیوں کو صراط مستقیم پر گامزن رہنے، بدعتوں اور بد رسموں سے بچنے کی توفیق ملتی ہے۔ اس کا مظاہرہ ہم ہر جمعہ کے روز اس صورت میں بھی دیکھتے ہیں کہ حضرت خلیفۃ المسیح ایدہ اللہ تعالیٰ بن نصر عزیز کے خطبہ سے دنیا بھر کے احمدی اپنی سمتیں درست کرتے ہیں، اور خطبہ جمعہ میں حضور ایدہ تعالیٰ جن روحانی اور اخلاقی کمزوریوں کی نشاندہی فرماتے ہیں، ہر احمدی فوراً ان سے نجات پانے کے لیے اپنے ذہن میں ایک لائے عمل تشکیل دینے لگ پڑتا ہے۔ اس کی ایک تازہ مثال سنیے، کچھ عرصہ پہلے حضرت خلیفۃ المسیح الخامس ایدہ اللہ تعالیٰ نے اس طرف توجہ دلائی تھی کہ مہندی کی رسم پر ضرور سے زیادہ خرچ اور بڑی بڑی دعوتوں سے ہمیں رکنا چاہیے، تو اس دن لندن میں ایک احمدی گھرانے میں مہندی کی دعوت تھی، جب انہوں نے حضور کا خطبہ سنا تو انہوں نے دعوت کینسل کر دی اور لڑکی کی چند سہیلیوں کو بلا کر کھانا کھلا دیا
और बाकी जो खाना पका हुआ था वो बैतुल फतू में एक फंक्शन था उसमें भेज दिया। तो तकबीर खिलाफते अहमदिया, खिलाफते अहमदिया, हजरत खलीफातुल मसीह अल खामिस, हजरत खलीफातुल मसीह अल खामिस, नारा तकबीर। हजरत ये खुदा ताला का जमात अहमदिया के अफराद पर एक बहुत बड़ा एहसान है कि हम उस इलाही निज़ाम से वाबस्त हैं जिसका वादा अल्लाह ताला ने सूरह नूर की आयत इस्तिखलाफ में फरमाया था और जिसके क़याम की खुशखबरी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत मसीह मऊद अलैहिस्सलाम के ज़माना के मुतल्लिक़ अता फरमाई थी। बस आज फरमाने खुदावंदी कूनू मा सादिकीन पर अमल करने और उसकी बरकतों से फैजयाब होने का बेहतरीन रास्ता ये है कि हम खुदा ताला के कायम करदा निज़ाम खिलाफत के साथ कामिल वफा और इताअत का नमूना पेश करते हुए अपनी तमाम तर सलाहियतों के साथ अपने आप को एक खादमाना हालत में पेश कर दें। खलीफा वक्त का मुबारक वजूद हमें खुदा ताला के करीब करने का एक अजीम शान ज़रिया है क्योंकि वो खुदा ताला के कायम करदा आसमानी निज़ाम का नुमाइंदा है, कुरानी उलूम व इरफान का एक चश्मा फैज़ है जो जारी व सारी है। ज़रूरत इस अमर की है कि हम खलीफा वक्त की पाकीज़ा सोबत से भरपूर फ़ायदा उठाएँ और हज़रत मसीह मऊद अलैहिस्सलाम के इस इरशाद पर अमल पैरा हूँ, तज़किया नफ्स के वास्ते सोहबत सालेहीन और नेकों के साथ ताल्लुक़ पैदा करना बहुत मुफीद है। मुलफुजात जिल्द अव्वल सफ़ा 463। आज दुनिया के 200 से ज़ायद ममालिक में बसने वाले करोड़ों अहमदियों के लिए ये तो मुमकिन नहीं कि वह सब जिस्मानी रंग में हाज़िर होकर हुजूर अनवर की सोहबत से इस्तिफादा करें, लेकिन MTA की शक्ल में जमात अहमदिया आलमगीर पर खुदा ताला की रहीमियत एक नए अंदाज से जलवागर है और ज़मीन के किनारों तक फैले हुए अहमदी घर बैठे टेलीविज़न पर कम अज़ कम खुतबा जुमा सुनने का अहतमाम कर लें तो वो सोहबत सालेहीन से फैज़याब हो रहे होंगी। इस्लाम अहमदियत, खिलाफत अहमदिया, MTA, नारे तकबीर। और हजरत मसीह मऊद अलैहिस्सलाम की ये मुराद पूरी कर रहे होंगे कि वो आए और फिर सोहबत से फैज़याब हों। हज़रत खलीफ़तुल मसीह सानी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने 1939 में खिलाफत की सिल्वर जोबली की तकरीब के मौके पर खिलाफत राशिदा के मौजू पर एक तकरीर फरमाई। इस तकरीर में आपने खुतबात जुमा की अहमियत के बारे में फरमाया, गर्ज़ जुमा जो नमाज का बेहतरीन हिस्सा है इसी सूरत में आसन तरीक पर अदा हो सकते हैं जब मुसलमानों में खिलाफत का निज़ाम मौजूद हो। चुनाचे देख लो हमारे अंदर चूँकि एक निज़ाम है इसलिए मेरे खुतबात हमेशा अहम वक्ती ज़रूरियात के मुतल्लिक होते हैं और ये अल्लाह ताला का एहसान है कि बाज़ गैर अहमदी भी इनसे इतने मुतासर होते हैं कि वो कहते हैं हमें तो आपके खुतबात इल्हामी मालूम होते हैं। मुसलमानों का एक मशहूर लीडर बाकायदा मेरे खुतबात पढ़ा करते हैं, चुनाचे एक दफ़ा उसने कहा कि इन खुतबात से मुसलमानों की सिर्फ मजहबी ही नहीं बल्कि सियासी रहनुमाई भी होती है। कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने नमाज जुमा की अदायगी के बारे में बतौर ख़ास हुक्म दिया है। अल्लाह ताला के नज़दीक जुमा की इतनी अहमियत है कि इस बारे में एक अलहदा सूरत नाजल फरमाई। जुमा का दिन एक तरह से मुसलमानों की ईद का दिन है। इस रोज़ नमाज जुमा की अदायगी के साथ साथ हमें अपने प्यारे इमाम के ताज़ा खुतबा से भी इस्तिफादा करने का मौका मिलता है। अगर हम इन खुतबात को बाकायदा और गौर से बराए रास्त सुनें और खलीफा वक्ती हदायात पर दिलो जान से अमल करने की कोशिश करें तो यकीन करें कि अल्लाह ताला के फजल से हमारा वो तज़किया नफ्स हो जाएगा कि जिसकी बदौलत हमारी दुनिया और आकबत दोनों संवर जाएंगे। हजरात हमें हमेशा ये भी याद रखना चाहिए के खलीफा वक्त के खुतबात तमाम अहमदियों के लिए होते हैं, खुतबा खा कहीं दिया जा रहा हो। बाद लोग समझते हैं कि जहाँ खुतबा दिया जा रहा है सिर्फ वहाँ के अहमदियों के लिए है।
حضرت خلیفۃ المسیح الخامس ایاد اللہ تعالیٰ بن اصل عزیز نے اس غلط فہمی کا تدارک اپنے ایک خطبہ جمعہ میں یوں فرمایا، میں جب خطبے یا تقریر میں کوئی بات کرتا ہوں تو بعض احمدی سمجھتے ہیں کہ یہ ہدایت صرف اس جگہ کے لیے ہے جہاں خطاب ہو رہا ہے۔ ایک احمدی کا یہ رویہ نہیں ہونا چاہیے، بلکہ کسی بھی احمدی کو یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ میں جس ملک میں خطبے یا تقریر میں کوئی بات کروں جو خدا تعالیٰ کی تعلیم کے حوالے سے ہو تو وہ صرف اسی ملک کے لیے ہے، بلکہ جہاں جہاں بھی احمدی موجود ہیں وہ سب اس کے مخاطب ہوتے ہیں۔ جب ہم یہ سمجھیں گے تو تبھی ہم میں یک رنگی پیدا ہوگی اور تبھی ہم ایک رب العالمین کے ماننے والے کہلا سکیں گے۔ حضرات، اس وقت احمدیت کا قافلہ سیدنا حضرت خلیفۃ المسیح الخامس ایاد اللہ تعالیٰ بن اصل عزیز کی بابرکت قیادت میں بڑی تیزی کے ساتھ رواں دواں ہے۔ اللہ تعالیٰ کے فضلوں کا نزول بارش کی طرح ہو رہا ہے۔ اگر ہر احمدی اپنی ذمہ داریاں کما حق و ادا کرنے کی کوشش کرے تو فتح کے خدائی وعدوں کے پورا ہونے کے دن قریب تر ہو سکتے ہیں۔ اللہ کرے کہ ہم حضور انور کی تمام ہدایات پر عمل پیرا ہو جائیں اور ہمارا ہر عمل خلیفہ وقت کی منشاء و خدا تعالیٰ کی رضا کے لیے ہو اور حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ خواہش پوری ہو جائے۔ فرمایا، چاہیے کہ ہر ایک صبح تمہارے لیے گواہی دے کہ تم نے تقویٰ سے رات بسر کی اور ہر ایک شام تمہارے لیے گواہی دے کہ تم نے ڈرتے ڈرتے دن بسر کیا۔ روحانی خزائن جلد 19 صفحہ 12۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کو امام وقت کے خطبات سننے، سمجھنے اور ان ارشادات پر لبیک یا امامنا، لبیک یا سیدی کہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین، اللہم آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اسلام احمدیت، غلام احمد کی خلافت احمدیہ، خلافت احمدیہ، نعرہ تکبیر۔